नमस्कार दोस्तों, सीएस इन्फो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके लिए हर टाइम हर समय न्यू अपडेट लेकर हाजिर होती है हमारी टीम। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, पीएम किसान निधि योजना की केवाईसी को लेकर बहुत सारी परेशानी हो रही है, जो कि सीएससी वीएलई सोच रहे हैं कि इसकी जो केवाईसी वो कैसे करें, और बहुत सारी प्रॉब्लम उनको आ रही है। क्योंकि पहले क्या बोला था गया था कि जो स्टैट्री की डिवाइस है ओनली उसी पर केवाईसी होगी, तो उस वजह से दोस्तों सीएससी वीएलई ने क्या किया, सभी ने अपनी अपनी स्टैट्री की डिवाइस ऑर्डर कर दी, और उसके बाद भी केवाईसी है जो वो उनसे नहीं हो पा रही थी। दोस्तों, उसी परेशानी को लेकर हमने ये वीडियो बनाया कि अगर जितने भी सीएससी वीएलई हैं, फॉर एग्जांपल पूरे इंडिया में 2 लाख से ज़्यादा सीएससी हैं, तो सभी स्टैट्री की डिवाइस ऑर्डर कर दें, कंपनी को कितना बेनिफिट होगा। और अगर आप ई ग्रामी स्टोर के जरिए इसको ऑर्डर करते हो तो सीएससी को कितना बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, इस वजह से सीएससी ने क्या किया था कि ओनली स्ट्रैटेजी की ही डिवाइस पर उन्होंने अपना केवाईसी सिस्टम चलाया था। और लेकिन दोस्तों, वो जो सिस्टम है वो भी ओनली 2 या 3 डे चला है, उससे ज़्यादा नहीं चला है। क्योंकि जितनी देर तक सीएससी वीएलई के पास डिवाइस आई, उतने टाइम तक जो ये सर्विस है वो स्टॉप कर दी गई थी। उसका रीज़न दोस्तों ये था कि सीएससी ये चाहता है कि जितनी भी डिवाइस है सीएससी वीएलई के पास, जिसमें मोर्फो, मंत्रा, स्टैटिक, पिसानो या फिर और किसी भी कंपनी की, उन सारी पर ये सर्विस एक साथ एक टाइम पर दे। क्योंकि अगर इस तरह से एक सर्विस, एक डिवाइस पर सर्विस चलती है तो बाकी डिवाइस बेकार है। उतनी में सीएससी वीएलई क्या करते हैं, सभी देखते हैं कि स्टैटिक की डिवाइस कहाँ से मिलेगी, चाहे उनको 5,000 की मिले, 2,000 की मिले, 3,000 की मिले, सीएससी वीएलई ऑर्डर कर देता है। क्योंकि उनको पता है कि इस सर्विस में हमने कमाई करनी है। तो दोस्तों, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया कि आपको भी पता चले सीएससी ने किस तरह से अपना दिमाग लाया कि वीएलई कैसे सारे के सारे एक ही डिवाइस यूज़ करने लगे। तो दोस्तों, हमारा मानना यही है कि अगर आपने इस डिवाइस को लेने के बारे में सोचा है तो आप इस डिवाइस को कभी मत लें। क्योंकि अगर आपके पास पहले से किसी और डिवाइस कंपनी की डिवाइस है तो आप इस पर क्यों इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, इसमें आपको या तो 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 रुपये तक बचेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको 3,000 की डिवाइस लेनी पड़ी तो आपको इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि अब सारी कंपनी ने एक तो इस डिवाइस के जो आरडी सर्विस है उसका रिचार्ज बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से आपको ये सर्विस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है। तो दोस्तों, आप सीएससी और पीएम किसान निधि योजना की तरफ से अपडेट आ चुका है कि अब ये सर्विस है वो किसानों को छोड़कर, स्टैटिक को छोड़कर मोर्फो पर भी चलना स्टार्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे ये सर्विस जितनी भी डिवाइस है सभी डिवाइस पर वर्क करेगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको थोड़ा वेट करना होगा, और कुछ टाइम के बाद ये सर्विस सही से काम करने लग जाएगा। अगर आप सीएससी वीएलई हो तो आप सबसे पहले पीएम किसान निधि योजना के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके सीएससी लॉगिन कर लेंगे, और आप यहाँ से इसको ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह सा डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आप आधार कनेक्शन, फार्मर रजिस्टर्ड, एडिट फार्मर रिटेल, नाउ टू बेनिफिट स्टेट्स और मेक पेमेंट, और यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। तो इस पर आपको क्लिक करना है, और सबसे पहले कस्टमर का आधार नंबर डालकर यहाँ पर सर्च कर लेना है। उसके बाद कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है, और इसके बाद गेट मोबाइल ओटीपी कर देना है। तो आपका जो मोबाइल नंबर यहाँ पर डाला गया उस पर एक ओटीपी जाएगा, और इसको ओटीपी फिल करने के बाद सबमिट कर देना है। तो आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाएगी, कैप्चर फॉर ईकेवाईसी, कैप्चर फॉर ईकेवाईसी बाय मोर्फो डिवाइस। मतलब दोस्तों, जिस पर्सन के पास मोर्फो डिवाइस है वो आप हैप्पी हो जाएं, क्योंकि उनको मोर्फो डिवाइस में ही पीएम किसान निधि योजना की केवाईसी करने की ऑप्शन मिल चुकी है, और जल्दी ही इसमें पूरा प्रेपर बिल्कुल सेट कर दिया जाएगा, जिसमें आप ऑल डिवाइस में वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों,
अगर इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए अपडेट के साथ।